में यानी आजादी के अमृत काल में ये बजट पेश हुआ, लेकिन इस बजट से कितना अमृत टपका वो जरा आप जान लीजिए, किसके लिए क्या रहा वो जरा समझ लीजिए। सिलसिलेवार हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कृषि की कर लेते हैं कि कृषि यानी किसानों के लिए क्या किया सरकार ने इस बजट में। तो आपको बता दें कि किसानों के लिए 2,200 करोड़ की जो है योजनाएं वो शुरू की गई। आप ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष तौर पर 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को एक बड़ी राहत, जो अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते लेना चाहते हैं तो उनके लिए किसानों को लोन में जो है वो 1 साल तक के लिए छूट दी गई है। ये भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि किसान मजबूत तो देश मजबूत ऐसा कहा जाता है। वैसे में किसानों के लिए क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस वक्त कमजोर किसानों के लिए वो जो है सरकारिता मॉडल होगा, किस तरीके से ये काम करेगा इसके बारे में भी ब्रीफिंग की गई है, किस तरीके से बजट में इसका प्रावधान होगा इसके बारे में पूरी जानकारी जो है देने की कोशिश की गई है। तो ये बेहद अहम रहा कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए 2,200। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 1 करोड़ की योजना का ये प्रावधान। ऊर्जा क्षेत्र में क्या है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ऊर्जा के सेक्टर में भी सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहा है। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा के क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है। तो ऊर्जा क्षेत्र में देखिए 35,000 करोड़ का निवेश है और इसके बारे में यहां पर बताया गया। पूरी जानकारी जो है आज सदन की कार्यवाही के दौरान बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दिया। 20,700 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए किया गया है। ये भी समझने वाली बात है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके की चीजें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। एक विजन के तहत जो है ये तमाम ऐलान किए गए हैं। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए भी जो है वो तमाम नियम लाएंगे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में और क्या खास होगा, देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। पर्यटन के लिए क्या है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा हमने आपको बताया, साथ ही साथ हमने कृषि आपको बताया, पर्यटन के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं सरकार द्वारा, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये देखने और समझने वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से चीजें हो रही है। 20,700 करोड़ का जो है ये ऊर्जा के क्षेत्र में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में देख लीजिए कितने का निवेश है, और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितने का निवेश है ये समझ लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस बनाने पर जोर लगातार सरकार देती रही है, कितने नर्सिंग कॉलेज बनेंगे उसका अभी आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कि कितने नर्सिंग कॉलेजेस बनाने का जो है वो सरकार ने सपना देखा, कोशिश की जाएगी। बजट में 157 यानी 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस पूरे देश में खोले जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो पाए। और किस तरीके से कैमाल लैब बनाए जाएंगे, आईसीएमआर जो लैब है वो बेहद अहम है, और आईसीएमआर लैब बनाए जाएंगे इसके बारे में भी इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2047 तक जो है वो एनीमिया जो है वो खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अब हिंदुस्तान में किस तरीके से चीजें हम आने वाले समय में देखेंगे स्वास्थ्य की दिशा में, ये बहुत जरूरी है। पर्यटन के लिए क्या है अब वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। ये पूरा हमने आपके लिए विशेष तौर पर बताया है, समझाने की कोशिश की है कि देखिए पर्यटन में प्रदेशों की जो राजधानी है उसमें यूनिटी मॉल खोलने की तैयारी की गई है। अब ये यूनिटी मॉल किस तरीके की चीजें होंगी इसके बारे में भी पूरी ब्रीफिंग जो है वो की गई है। आपको सुबह अखबारों में पूरी डिटेलिंग आपको पढ़ने को मिल जाएंगी किस तरीके से पर्यटन में क्या चीजें रहेंगी। बड़ी चीज है पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो टूरिज्म का मॉडल बनाया जाएगा, उसको यहां पर पेश किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वो हिंदुस्तान की सरजमी पर आए और देखे समझे हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। पर्यटन की दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको विशेष रूप से विकसित किया जाएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। पर्यटन स्थल जो है वो संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित होंगे और वहां पर हर एक चीज जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी पर्यटकों के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, लोग बड़े पैमाने पर यहां पर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके लिए जो है स्वदेश दर्शन योजना की जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना में क्या होगा, स्वदेश दर्शन योजना से होगा कि पर्यटकों को पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक ज्यादा से ज्यादा यहां पर आएंगे। तो ये सारी चीजें, ये रही बड़ी बातें मोटी बातें जो हमने आपको बताई इस पूरे बजट में, क्योंकि ये देश का बजट है जो अब आ चुका है। अब बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिएक्शन आ रहे हैं, मेहमान हमारे साथ कई सारे जुड़ रहे हैं, उनसे हम एक बार आपका तारुफ करा दे तो उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमसे इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम जी बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। आरपी विजय साहब हैं, बीजेपी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का
पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर कितना खास है बजट और क्या क्या चीजें इस बजट में की गई है, क्यों आने वाला समय जो है हिंदुस्तान का बताया जा रहा बार बार। नितिन सारस्वत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये बताएंगे कि इनको किस तरीके से जो है ये बजट नजर आया है। शुरुआत में आरपी विजय साहब आपसे करना चाहूंगा, जाहिर तौर पर आप लोग कहेंगे बजट बढ़िया है, अब बजट बढ़िया क्यों है मैं चाहूंगा वो आप बता दें आसान शब्दों में। मैं आपको बताऊं कि बजट जो है ये समावेशी बजट है, इसमें सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ दिया गया है जी। आज फार्मर्स के लिए दिया गया है, आपके महिलाओं के लिए दिया गया है, यूथ के लिए दिया गया है, एमएसएमई के लिए दिया गया है, मतलब बिजली के लिए दिया गया है, मतलब रेलवे के लिए दिया गया है, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं किया। केपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी 10,00,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बजट अलोकेट किया है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस बढ़ेंगे। तो आज की तारीख में जो दो तकलीफें चल रही थी बहुत ज़्यादा, सभी ये कह रहे थे कि एक तो आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो उन दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए ये बजट बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स में देखने को मिल रहा है, बाकी इसका लॉन्ग टर्म में मिलेगा, मिडिल टर्म में मिलेगा, इंस्टेंटली आपको नहीं मिल पाएगा ये, क्योंकि ये लंबा बजट कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी होता है उसमें लंबा टाइम लगता है, और लंबा टाइम के बाद में उसके जो फ्रूट्स आते हैं वो लंबे टाइम के बाद में आते हैं, और उसको आने वाले टाइम में अपन उसको देखेंगे। और आपने देखा होगा कि जनरली ऐसा होता है कि जब बजट चुनाव आने वाले होते हैं तो पॉपुलर बजट आना चाहिए, बट मोदी जी कभी भी ये पॉपुलर बजट लाने की नहीं, वो देश के लिए सोचते हैं कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे को बजट के अंदर भाई चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में हमको वोट चाहिए, तो वोट की राजनीति नहीं करके उन्होंने देश की सोची है और उसी हिसाब से ये किया है। और मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा अभी तक उनको जो नहीं मिला था, उनके लिए ये जो टैक्स की स्लिप कम की है उसका फायदा मिलेगा, 5 से 7, 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 87A के अंदर जो रिबेट मिलती थी वो 7 लाख रुपए तक की हो गई है आज की तारीख में। और जो टैक्स स्लिप किया है वो भी बहुत कम किया है, सीधा आप देखो कि 15 से 20 वाला वो आपने 5% का गैप कर दिया, तो आज कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये का मिनिमम बेनिफिट मिल रहा है सबको, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आने वाले टाइम में लोग भाई इसको समझेंगे, हो सकता है कि आज ही समझ नहीं रहे, अभी तक तो क्या है अल्टरनेटिव टैक्स में अपन क्या था न्यू रिजियम में बहुत कम जा रहे थे, बट अब डिफॉल्ट से भाई न्यू रिजियम में जाएंगे वो। अच्छा, कारण क्या हुआ है कि वहाँ पे फायदा ज़्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमको इकोनॉमी के हिसाब से हो सकता है। नहीं, मतलब इन शॉर्ट में अगर आपसे समझे विजय साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, आप विजय साहब ये कहना चाह रहे कि जो बजट आया वो बड़ा उम्दा आया, उम्मीदों पर खरा उतरा है आपका बजट, आप ये कहना चाहते हैं, मैं समझ गया। और मैं इस पर आपसे थोड़ा डिटेलिंग भी जानूंगा इसके बाद जब लौटूंगा, तो मैं आपसे समझूंगा, मैं आऊंगा सर, अभी है समय, मैं आऊंगा, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो जो एक्सपेक्टेशन थी क्या उन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाया है कि नहीं उतर पाया है, विपक्ष चुनावी क्यों बता रहा है आपके इस बजट को, यह भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं नितिन जी का रुख करूंगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हज़ार कमाते भी हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।